वेरावल स्टेशन है जहाँ पर ये बाबा सोमनाथ के लिए जाने के लिए ट्रेन यहाँ पर चलती है। ये दोनों गेट पे सिंह बने हुए हैं। ये वेरावल स्टेशन, बाहर निकलेंगे तो ये सब पार्किंग में ऑटो वगैरह लगे हुए हैं जिनके द्वारा आप मंदिर जा सकते हैं। 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये आप बार्गेनिंग करके जो आपको सूट करे उससे जा सकते हैं। ये बरगद का पेड़ है बाहर और ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पे। बाबा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अब हम वेरावल जंक्शन पे पहुँच रहे हैं। ये इनका यार्ड है जहाँ पर सोमनाथ एक्सप्रेस पास हो रही है, वेरावल अहमदाबाद जम्मू तवी जोधपुर एक्सप्रेस। और बस स्टेशन आने ही वाला है। ये ब्लॉग आप मुंबई कर नेक्सस ब्लॉग्स में देख रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ के उस स्थान के स्टेशंस या एयरपोर्ट, बस स्टैंड इत्यादि दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे इस नए ब्लॉग में आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए ये वेरावल स्टेशन एक मुख्य पड़ाव है जहाँ से करीब 6.5 किलोमीटर दूर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। हम यहाँ से उतरेंगे और फिर सोमनाथ धाम जाएंगे। अभी हम ये तिरुवनंतपुरम वेरावल एक्सप्रेस से उतरे हैं। 16,334 से वेरावल जंक्शन पर हमारी ट्रेन आ गई है और हम इस वेरावल से कहाँ जाएंगे? बाबा सोमनाथ दर्शन करने के लिए। चलिए आइए हमारे साथ बाबा सोमनाथ के धाम। ये वेरावल स्टेशन है। छोटा स्टेशन है। अभी 3:42 हुए हैं। हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम आई है वेरावल जंक्शन पे और हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और सोमनाथ जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन आई। फुट ओवर ब्रिज से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये वेरावल जंक्शन है पूरा। सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, बेंच काफ़ी लगी हुई है, एयरपोर्ट बेंच चेयर्स। फुट ओवर ब्रिज से हम ऊपर जाएंगे और वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकलकर फिर हम जो कन्वेंस अवेलेबल होगा उससे हम सोमनाथ जाएंगे। चलिए आगे मिलते हैं। वेरावल स्टेशन है जहाँ पर ये बाबा सोमनाथ के लिए जाने के लिए ट्रेन यहाँ पर चलती है। ये दोनों गेट पे सिंह बने हुए हैं। ये वेरावल स्टेशन, बाहर निकलेंगे तो ये सब पार्किंग में ऑटो वगैरह लगे हुए हैं जिनके द्वारा आप मंदिर जा सकते हैं। 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये आप बार्गेनिंग करके जो आपको सूट करे उससे जा सकते हैं। ये बरगद का पेड़ है बाहर और ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पे। हमने भी ऑटो कर लिया है और अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। चलो भाई, अब हम ऑटो करके मंदिर की ओर जा रहे हैं। हाँ
नदी के किनारे क्यों खड़ी है? अब तो ये नदी है सर। हाँ ये नदी में खड़ी है। हाँ अच्छा नदी में खड़ी है। हाँ ये नदी में खड़ी है। हाँ